पूरे इलाके में कर्फ्यू है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कर्फ्यू की। देखिए ये पूरी गली है जहां से भीड़ आई थी, इन गलियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर आपको एक पुलिस की वैन दिखाई देगी जो वहां से अनाउंस करते हुए आ रही है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें। और ये पूरी गली जहां पर सबसे ज्यादा हुजूम था, ये बताया जा रहा है कि यहां पर लोग ऊपर से पत्थर मार रहे थे, अब वो हुजूम यहां पर गायब है क्योंकि कर्फ्यू की जो स्थिति है वो यहां पर बरकरार है। और इसी वजह से इसके आसपास की इसी तरह में जो जितनी भी गलियां हैं वो सब सन्नाटे में है क्योंकि इलाके में कर्फ्यू है। इंटरनेट सेवाओं को बाधित रखा गया है ताकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, गलत तरीके से किसी भी अफवाह को पनपने न दें। और इसीलिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग, जो उपद्रवी इस पूरे मकसद के पीछे कामयाब हुए थे, उनकी पहचान की जा सके। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिख रही। और अल्दवानी हिंसा की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। मौके पर जो चश्मदीद मौजूद थे उन्होंने बताया, हिंसा के चश्मदीदों ने हिंसा की पूरी कहानी न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के सामने बताई है। आपको भी दिखाते हैं सुपर एक्सक्लूसिव गवाही। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों और प्रशासनिक अमला उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा था, तो उस दौरान कई लोगों के ऊपर हमला हुआ। ये सभी यहाँ पर मजदूर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कर्मचारी हैं नगर निगम के, ये सभी लोग पहुंचे थे उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए। और उनकी तस्वीर आप देखिए, ये इनके किसी का सिर फूटा है, पत्थर मारे गए हैं, किसी के पैर हाथ पैरों में चोट है। ये देखिए इस तरह से ये लोग यहाँ पर घायल हैं। इनके जो हेलमेट है उन पर भी यहाँ पर खून के निशान दिख सकते हैं आपको। ये चोट जो लगी है, इनसे पूछते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ जा रहा है। कितने बजे गए थे आपको? सर 3:30 बजे करीब हम गए थे वहाँ पे, तभी से ही उन्होंने हम पर पथराव स्टार्ट कर दिया था वहीं से ही। और पूरे कार्रवाई में हम लोग वहाँ अपनी कार्रवाई करने के लिए गए थे, अवैध निर्माण का ध्वस्त करने के लिए गए थे, तभी से उन्होंने पथराव कर दिया, हमें अंदर तक का जाने नहीं दे रहे थे और हमारी गाड़ियों में भी आग लगा दी सर, वहाँ निगम की गाड़ियों ही जला दी है पूरी। कितने लोग गए थे यहाँ से जब लोग आप लोग निकले? 150 लोग थे कर्मचारी, हम जितने भी थे। उसमें से कुछ लोग सर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनका तो अभी कुछ पता नहीं है कहाँ सर, हॉस्पिटल में भी एडमिट है अभी वो। जो आपके पत्थर लगा कितने बजे लगा था ये और कहाँ पर लगा था ये? सर वहीं अंदर गली में उन लोगों ने घेर रखा था हमें, काफी पुलिस वाले थे और हम लोग थे, और ऊपर से गली में घेर के पूरे सब लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे सर। कोई बोतल, कांच की बोतलें मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे सर। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बच के आए थे सर। जब ये भीड़ बेकाबू हो रही थी तो क्या ये लोग विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो तो कोर्ट का ऑर्डर था, वो तो अपने अल्लाह का नाम ले रहे थे। इन्हें मारो 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 करके खत्म करो, इन्हें भगाओ इन्हें भगाओ। साहब हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा करके। ऊपर से जब पत्थर आना, कितनी भीड़ रही होगी? लगभग 300-400 के लगभग मिनिमम इतना था एक गली में। अच्छा हाँ, अन्य जो उन्होंने लोग बुलाए थे कम से कम 10,000 के आसपास थे उनके लोग।